प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लॉक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लॉक। जैसे एक ब्लॉक ये है M1, एक ब्लॉक ये है M2, और मैं इसे किसी फोर्स से खींचा F, और ये ब्लॉक किसी चीज़ के ऊपर रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहली जो फोर्स सोचनी होती है, जो हमें मार्क करनी है, वो उसका वेट है M1g। दूसरी इस पर भी M2g। दूसरी फोर्स जो मार्क करनी होती है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी होती है तो उससे नॉर्मल रिएक्शन बनता है। इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2। वैसे इस प्रॉब्लम में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शंस की, लेकिन आगे की जो प्रॉब्लम है फ्रिक्शन वाली, उसमें ज़रूरत पड़ती है। और फिर धागे में टेंशन T, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। इस पर टेंशन इधर, इस पर टेंशन इधर। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले मैं इसे अलग कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने M2 को अलग कर लिया। M2 पे F फोर्स आगे है, T पीछे है, M2g नीचे है, N2 ऊपर है, और ये आगे चल रहा है। तो पहली इक्वेशन जो आगे चलने की बनेगी, F-T इज इक्वल टू M2a। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में से माइनस करना होता है। आगे की तरफ है एक्सेलरेशन, तो आगे वाली फोर्स में से पीछे वाली फोर्स माइनस करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं FBD बनाऊं M1 का, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे M1g नीचे है, N1 ऊपर है, T आगे की तरफ है, और ये भी एक्सेलरेशन ये से चलेगा, क्योंकि जितना ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा उतना ही ये वाला ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो T-0 इज इक्वल टू M1a। दोनों इक्वेशनों को ऐड करूँगा तो F आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू ए। ए की वैल्यू आ जाएगी F/M1+M2। अब मैं इस वैल्यू को टेंशन वाली इक्वेशन में रख दूँ तो टेंशन और मिल जाएगी। M1 ए की जगह मैंने रख दिया F/M1+M2। और भी कई सिंपल तरीके हैं इस प्रॉब्लम करने के लिए। अब मैं आपको एक दूसरी प्रॉब्लम बताऊंगा अच्छी सी, और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तीन ब्लॉक हैं, तीन ब्लॉक हैं, एक 2 किलोग्राम का, एक 3 किलोग्राम का, एक 5 किलोग्राम का, और मैं 20 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूँ। पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो इसको हम पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर हम इसे एक ट्रिक से भी करेंगे। ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत इजी ट्रिक है। तो सबसे पहले वही, इसका वेट मार्क कर लेते हैं 2g, इसका 3g, इसका 5g, फिर नॉर्मल रिएक्शन मार्क कर लेते हैं N3, N2, N1। मैंने बताया था ना अभी नॉर्मल रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम में हमें नॉर्मल रिएक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें टेंशन मान लिया T1, इसमें टेंशन ले लिया T2। अब केवल इस वाले ब्लॉक को देखो, आगे टेंशन 20, आगे फोर्स 20 न्यूटन है, और पीछे टेंशन T1 है, और ये आगे चल रहा है क्योंकि रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो ये आगे चलेगा। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, 20-T1 इज इक्वल टू 5a। 20-T1 नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 5a। इसमें आगे T1 है, पीछे T2 है, तो T1-T2 इज इक्वल टू 3a। और इसमें T2 आ गया और पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो T2-0 इज इक्वल टू 2a। दोनों ये तीनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 5+3 8 to 10 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 m/s².
अब मेरे को टेंशन टी टू निकालनी है, तो टी टू आ जाएगा टू इंटू ई, तो टू इंटू टू यानी कि 4 न्यूटन। इसी तरह से टी वन निकालना है, तो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो टी वन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10 न्यूटन। अब मैं आपको एक ट्रिक से ऐसे करना सिखाऊंगा, बिना इक्वेशन लिखे भी आप कर सकते हैं ट्रिक से। तो इधर हम देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। एक्सेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो फोर्स लग रही है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है 20 और टोटल मास है 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10। तो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे मेरे को टी वन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी वन के पीछे जितना भी मास है उससे एक्सेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो टी वन के पीछे 2 और 3 दो मास है, उसको मैं एक्सेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टी वन आ गया तुम्हारा 10। ऐसे ही टी टू निकालने के लिए टी टू के पीछे जो मास है सारा 2, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सेशन से, तो टी टू भी आ गया। तो ये देखो बिना इक्वेशन बनाए भी मैंने सॉल्व कर लिया है। वैसे दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम में इक्वेशन बना के आसान लगता है, कभी कभी ट्रिक से भी आसान लगता है, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्लॉक्स। मान लो ये M2 है और ये M1 है, और आप F फोर्स से धक्का दे रहे हैं, आपको निकालना है इसने इस इसने इनके बीच में रिएक्शन फोर्स कितनी है। तो जब जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, उसे हम रिएक्शन कह रहे हैं। तो रिएक्शन ऐसे मार्क करते हैं, इसके लिए इधर और इसके लिए इधर, और ये सिस्टम तुम्हारा इधर चलेगा। तो अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो M1 पर एक फोर्स काम कर रही है R, और ये आगे चल रहा है। सिमिलरली M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो M2 पे F फोर्स आगे चल लग रही है और पीछे रिएक्शन R लग रहा है, और ये इधर चल रहा है। ध्यान रखें जिधर चल रहा होता है उसमें से माइनस करना होता है। इसमें मैं वेट और नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप मार्क करना चाहें मार्क कर सकते हैं। ये आ जाएगा M1G, ये आ जाएगा M2G, ये आ जाएगा N1 और ये आ जाएगा N2। अब मैं सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। देखो ये इधर जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन है, तो इधर वाली फोर्स में से ही माइनस करना पड़ेगा, पर फोर्स एक ही है, R-0 इज इक्वल टू M1A। और ऐसे ही F इधर है, R इधर है, तो F में से माइनस करना पड़ेगा, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसमें से माइनस करना पड़ता है, F-R इज इक्वल टू M2A। तो सॉल्व करेंगे, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, तो ए की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन M1 प्लस M2। अब हम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाह रहे थे इनके बीच का, तो R का फॉर्मूला हो गया M1A। तो R को मैंने M1 और A की वैल्यू रख दी F अपॉन M1 प्लस M2। जिस तरीके से हमने दो ब्लॉक के लिए किया है, इसी तरह से हम तीन ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, वो भी इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद हम इसकी भी एक ट्रिक बताएंगे जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, जैसे ये M3 है, ये M2 है और ये M1 है, और हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको दबा रहा है, बदले में ये भी इसको रिएक्शन देगा, तो इसके रिएक्शन को बेटा ऐसे मार्क करते हैं R1। सिमिलरली इसके रिएक्शन को ऐसे मार्क करेंगे R2। ये इस पे लगा रहा है R2 फोर्स, ये इस पे लगा रहा है R2 फोर्स। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले मैं इन्हें अलग करके बना लेता हूँ, इससे आसानी होगी। ये R3 है, ये F है, ये R1 है। ऐसे ही बीच वाले ब्लॉक पे ये R1 है, ये R2 है, ये M2 है, और तीसरे वाले ब्लॉक पे ये फोर्स होगी R2 और ये M1। सब इधर जा रहे हैं,
इसकी एक्सेशन इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है। तो सबसे पहली इक्वेशन मैं बनाऊंगा, ये इसको इधर धक्का दे रहा है यानी ये इधर लेके जा रहा है, इधर एक्सेशन है, तो एफ में से आर वन माइनस करना पड़ेगा। तो एफ माइनस आर वन इज इक्वल टू एम थ्री ए, इसका मास एम थ्री है। ऐसे ही आर वन इधर है, आर टू इधर है, पर एक्सेशन इधर है, तो इधर वाली फोर्स में से माइनस करना पड़ेगा। आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू एम टू ए। ऐसे ही इसकी इक्वेशन बढ़ जाएगी, आर टू माइनस जीरो इज इक्वल टू एम वन ए। तो ऐड कर दो तीनों इक्वेशन को, तो आर टू से कैंसिल हो जाएगा, आर वन से कैंसिल हो जाएगा, एफ आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए। तो ए का फार्मूला आ जाएगा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब मुझे आर टू लिखना है, तो आर टू की वैल्यू एम वन ए है, तो आर टू आ जाएगा तुम्हारा एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब मेरे को ऐसे ही आर वन निकालना है, तो एफ माइनस आर वन इज इक्वल टू एम थ्री इंटू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। सॉल्व करके मैं आर वन की वैल्यू निकालूंगा, तो ये आ जाएगी आर वन की वैल्यू एम वन प्लस एम टू इंटू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें मैं उसे इस प्रकार से सॉल्व करूँगा जैसे मैंने समझाया है, फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। तो पहले तो आपको इसी मेथड से बताऊंगा जिस मेथड से अभी बताया था, इनके बीच में रिएक्शन मान लो आर वन और इनके बीच का रिएक्शन मान लो आर टू। तो जैसे पहले इक्वेशन बनाई थी अब वैसी इक्वेशन बनाऊंगा, 20 इधर है आर वन इधर है, तो 20 माइनस आर वन इज इक्वल टू 5 ए। फिर आर वन इधर है, आर टू इधर है और इधर जा रहा है, तो आर वन माइनस आर टू जैसे पहले बनाई थी, आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू 3 ए। ऐसी तीसरी इक्वेशन आर टू इस पे लग रही है, पीछे कुछ नहीं लग रहा है, आर टू माइनस जीरो इज इक्वल टू 2 ए। सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 10 ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2। आर टू की वैल्यू है 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन। ऐसे 20 माइनस आर वन इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो आर वन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। तो ये तो हमने नॉर्मल तरीके से बताया जो अभी सिखाया था, अब मैं आपको इसकी ट्रिक से समझाता हूँ। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक मिलती जुलती है जो पहले बताई थी। सबसे पहले एक्सेशन निकाल लो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है 20 और टोटल मास है 5 प्लस 3 प्लस 2, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप क्या करो, जैसे आर वन निकालना है आपको, तो पहले तो हम लेते थे पीछे का मास, अब हम लेंगे आगे का जितना मास है, आर वन के आगे जितना मास है 3 प्लस 2, उसको एक्सेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 न्यूटन आ गया। ऐसे ही आर टू निकालना है, तो आर टू के आगे जितना मास है 2 इंटू 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया बिना किसी इक्वेशन लिखे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना किसी इक्वेशन लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं।